हम लेडीजों को इतने सारे काम होते हैं कि हम दिन भर काम कर कर के परेशान हो जाते हैं, लेकिन अगर उस काम को छोटे छोटे टिप्स से, छोटे छोटे आइडिया से हम करते हैं तो हमारा जो काम होता है बहुत ही आसान हो जाता है, हमें अपने लिए टाइम भी मिल जाता है। तो चलिए बिना देर के हुए झटपट से बताती हूँ सबसे पहली टिप हमारी क्या है। सबसे पहली टिप हमारी है, जैसे कि आपके यहाँ सब्जी बच जाती है, चावल बच जाता है, या कि रोटी बच जाए, बिरयानी है जो हमने सामने लिया है, ये है बिरयानी। अब बिरयानी दोपहर की बनी हुई है, इसको फ्रिज में रख दिया था, तो अब किस तरह से इसे गर्म करें। तो पानी हमने कढ़ाई में पहले ही डाल दिया है, पानी हमारा बिल्कुल गर्म हो गया है। इसमें रखेंगे हम छोटे से भगोने को और इसे ढक्कन से अच्छे से कवर कर देंगे। ये जो होगा 2-3 मिनट में बहुत ही अच्छे से गर्म हो जाएगा। इस तरह से गर्म करने से क्या होता है, इसकी जो बिरयानी का मसाला होगा वो बरकरार रहेगा, इसका जो चावल होगा बिल्कुल अच्छे से परफेक्ट रहेगा। और अगर आप कढ़ाई में तवे में इस तरह से गर्म करते हैं तो आपका जो ये चावल है ख़राब जाता है, मसाले बिल्कुल जल जाते हैं, स्वाद इसका बिल्कुल भी खराब हो जाता है। अगली टिप हमारी है कुशन को लेकर। इसके कुशन का कवर आप खरीदते हैं तो कितने महंगे आते हैं, तो आप कितनी आसानी से घर में जो कि पुराने टी शर्ट पड़े होते हैं बच्चों के, जो कि इस तरह से देखिए हमने टी शर्ट लिया है और ये बिल्कुल पुराना है जो कि पहनने लायक नहीं है, तो इससे क्या करना है आपको, अब इस टी शर्ट को हम उल्टा करेंगे। उल्टा करने के बाद इसमें एक रबर रिबर बैंड या रस्सी कुछ भी आप बांध दीजिए, रबर बैंड भी लगा सकते हैं और रबड़ भी बांध सकते हैं। उसके बाद आप इसमें डोरी भी अच्छे से गांठ लगाकर बांध सकते हैं। इस तरह से आपको गला और बाजू के नीचे वाले हिस्से को एक साथ से ले लेना है और इसको अच्छे से किसी भी चीज़ से आपको बांध देना है, जैसे हमने बोला रबड़ या रिबन बैंड या रस्सी डोरी किसी भी चीज़ से अच्छे से आप इसे थोड़ा सा टाइट सा बांध दीजिए, जिससे कि इसमें अच्छी सी डिज़ाइन बन सके। देखिए इस तरह से आपको सीधा कर देना है और सीधा करने के बाद आप इसे इस तरह से सेटिंग करके और इसको भी अच्छे से एडजस्ट करके इसमें एक आलपिन लगा देते हैं। देखिए कितने सुंदर तरीके से, मतलब आसान तरीके से कितना सुंदर सा कुशन कवर बनकर आपका तैयार हो गया है। कितनी सुंदर डिज़ाइन है, कहीं भी आप इसे रख दीजिए तो आपको भी पता भी नहीं चलेगा कि मतलब ये घर का बना हुआ कुशन कवर है, तो काफ़ी यूज़फुल है। अगली टिप हमारी सॉक्स को लेकर है। अभी गर्मी का सीज़न आ रहा है, सॉक्स पहनते हैं तो इसमें बहुत सारी बदबू आ जाती है क्योंकि गर्मी है, तो 1-2 घंटे में ही ये बदबू करने लगता है, तो अगल बगल जो बैठे रहते हैं लोग काफ़ी गंदा महसूस होता है, तो इसलिए आपको इसे थोड़ा सा केयर करने की ज़रूरत होती है। सॉक्स को हमने इस तरह से धुल के रख लेना है और जब आप पहनते हैं, जैसे कि एक दिन पहन लिया है तब भी आप दोबारा पहनते हैं, तब भी आप इसमें आप कोई भी टेलकम पाउडर लीजिए, इस तरह से आपके पास जो भी पाउडर है वो आप ले लीजिए और थोड़ा सा पाउडर सॉक्स में डाल देना है इस तरह से, और इसे अच्छे से आपको सॉक्स को जो है थोड़ा सा इसमें अच्छे से मिला देना है। जब पाउडर को अच्छे से मिला देते हैं तो इसकी खुशबू जो होती है 2-3 दिन तक 4 दिन तक रहती है, तो आप हफ्ते में एक बार इस तरह से जब भी सॉक्स को धुलें आप इसको अच्छे से पाउडर को, अगर आप धुल के रख रहे हैं तब भी थोड़ा सा पाउडर डालकर इस तरह से आप कहीं भी अच्छे से रख दीजिए, इसकी खुशबू जो होगी काफ़ी लंबे टाइम तक रहेगी, जो कि काफ़ी अच्छी लगती है। जब भी सॉक्स पहनेंगे तब आपको काफ़ी अच्छा फील होगा और बगल बैठे लोगों को भी। अब हम बात करते हैं अगली टिप हमारी, जो कि मेहंदी हमने लगाया था बालों में, तो इस तरह से मेहंदी का जो कलर होता है इसको मैं धुल रही हूँ, एक बार धुल लिया था थोड़ा बहुत लगा था, तो दिखाने के लिए इसको हमने आपको इस तरह से देखिए हाथ को अच्छे से, हाथ साफ़ नहीं होता है मेहंदी जब लग जाती है तो ये कहीं जाना हो तो काफ़ी ख़राब लगता है, तो इसको जल्दी से साफ़ करने के लिए आपको क्या करना चाहिए। सबसे पहले आपको लेना है नींबू, जो कि आपके घर में हमेशा मौजूद होता है, और उसके बाद कोई भी वेनेगर हो, मैंने एप्पल साइडर वेनेगर लिया है क्योंकि ये खाने के लिए यूज होता है, आपके कब्ज़ को दूर भगाता है, ये आपके वज़न को कम करता है, तो हमने एप्पल साइडर विनेगर जो कि हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छा होता है, स्किन की कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी। अब हमने लिया है इनो सॉल्ट, जो कि हमारा इनो जो है ये बिल्कुल ख़राब गया है, एक्सपायर हो गया है, लेकिन इस तरह से हम इसको सफाई में यूज़ करते हैं, देखिए अंदर से चिपक गया है तो इसको हमने थोड़ा सा निकाल लिया, इस तरह से चिपका हुआ इनो था, ये भी काफ़ी काम करता है, इसे आप सफाई में यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि आपका इनो एक्सपायर हो गया हो तो आप इसे क्लीनिंग में यूज़ कर सकते हैं, बर्तन को
साफ करने में यूज़ कर सकते हैं, और इस तरह से हाथों की सफाई कर सकते हैं, या कि गैस बर्नर की सफाई करते हैं, बहुत सारी चीज़ें इससे क्लीन हो जाती हैं। तो इनो को आप एक्सपायर होने के बाद कभी भी फेंके नहीं। अब हम नींबू में इनो डालने के बाद देखें कितना सुंदर सा इसमें, जब तीनों चीज़ें मिक्स हो जाती हैं, नींबू और विनेगर और उसके बाद इनो साल्ट, तो आपके जो हाथ होते हैं बिल्कुल अच्छे से देखिए कितना डार्क कलर था, थोड़ा सा हल्का हो गया, ये काफ़ी हद तक ये साफ हो जाता है, जो कि गंदा नहीं लगता है। इसे अच्छे से एक दो बार आप साफ कीजिए, हमने एक ही बार अभी साफ़ किया है, दोबारा साफ़ करने से बिल्कुल अच्छे से साफ हो जाता है। तो काफ़ी यूज़फुल टिप है, इसे आप ज़रूर ट्राई करें। जब भी हाथों में किसी भी प्रकार का दाग पड़ जाता है तो आप इस तरह से दाग को जल्दी से छुड़ा सकते हैं, तो ये काफ़ी अच्छा है। वीडियो में उतना साफ़ नहीं दिख रहा है, बहुत ही अच्छे से मेरा हाथ साफ़ हो गया है। अब हम बात करते हैं लेगिंग्स को लेकर, जैसे कि लेगिंग्स लेते हैं, पैंट लेते हैं, जीन्स लेते हैं, कोई भी कपड़े लेते हैं, तो ये काफ़ी टाइट होता है, जो कि पहनने में बहुत ही ज़्यादा मुश्किल लगता है। बच्चों को पैंट पहनाना हो, बच्चों को जीन्स पहनाना हो, या बच्चों का कोई भी होता है, जो भी कपड़े हों, इतने टाइट होते हैं कि उन्हें बच्चे पहनना पसंद नहीं करते हैं। उसके बाद पहनने के बाद खुजली होती है, काफ़ी परेशानी होती है, तो उस परेशानी का हल लेके आई हूँ। जिस तरह की एक हमने बकेट लिया है, या कोई भी चीज़ जिसमें कि आप इस लेगिंग्स को या लोअर को या जीन्स को आप इस तरह से डाल सकें, और डालकर आप इसे दो चार घंटे के लिए छोड़ दीजिए। दो चार बार आप इसको पहनाते हैं तो आपका जो लोअर होगा, लेगिंग्स होगी, पैंट होगा, या बच्चों के कपड़े होंगे, वो बिल्कुल इसका लास्टिक जो होगा थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाएगा, लूज हो जाएगा, जिसे पहनने में दिक्कत नहीं होगी। तो इस तरह से आपके घर में बच्चों के या बड़ों के जिसके भी कपड़े टाइट हों, ये इलास्टिक वाला कपड़ा होता है जो, तो आप उन कपड़ों को बकेट में डालकर अच्छे से उन्हें लूज कर सकते हैं, जिसे पहनाना बच्चों को आसान हो जाता है, या कि अपने कपड़े। तो इस तरह गर्मी में इस तरह के कपड़े पहनने में काफ़ी प्रॉब्लम होती है, तो आप ऐसे आप रख दीजिए इसे दो चार घंटे के लिए, तो बहुत ही अच्छे से ये लूज हो जाएगा, बहुत ही अच्छे से पहनने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, ना ही खुजली होगी, ना ही दाने पड़ेंगे। तो इस तरह से आपको दो चार बार करना है, आपका कपड़ा परफेक्ट तरीके से तैयार हो जाएगा। तो जब भी कोई कपड़ा टाइट हो, आप बकेट में ज़रूर डालें, आपका कपड़ा बिल्कुल सही हो जाएगा, और आपका काम भी बहुत ही आसान हो जाएगा। तो देखिए इस तरह से मेरा ये लूज हो गया है, काफ़ी अच्छा हो गया है, पहनने लायक बिल्कुल तैयार है। तो आप इस टिप को भी ज़रूर फॉलो करें, और मेरी सारी टिप को आप ज़रूर फॉलो करें, और मुझे कमेंट करके बताना मेरी टिप्स कौन सी आपको सबसे ज़्यादा अच्छी लगी। तो कुक विद मंजू में बस आज के लिए इतना ही, अब मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना ख्याल रखें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।